अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज बादल फिर ऐसे समझ लें कि गश्त कर रहे हैं, हर तरफ खूबसूरती का एक अलग मंजर पेश कर रहे हैं, और इसलिए हमारा जो शमसी तवानाई वाला निज़ाम है वो बंद है। तो पानी बाहर से खाल से भर रहे हैं जानवरों के लिए। ले जाओ, ले जाओगे? उठा के ले जाओगे आराम से? गिराना नहीं है, गिराना नहीं है। आ जा, तुम भी आ जा। ये उसको दे दे, थोड़े वाला पानी, ज्यादा वाला तू ले ले उसको। जल्दी आना। तो मौसम कल भी और परसों भी तीन दिन से बादल तो खूब बन रहे हैं, लेकिन कोई खातिर खा बारिश नहीं हो रही हमारे इस इलाका में। बाहर तो काफ़ी बारिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह हमारे पास भी रहमत की बारिश आएगी। उम्मीद तो है कि आज अब्र रहमत बरसेगा, खूब नहाएंगे और मौसम भी ठंडा होगा तो नहाएंगे इंशाल्लाह। तो यही काम काज, इसके अलावा किचन भी सजने वाला है आज की दोपहर। अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो किचन में भी जाएंगे। बेगम साहबा रेडी कर रही हैं हमारे लिए ख़ास रेसिपी। किधर गए हैं शहजादे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा दौड़ी लगा के आओ ना, आप तो जवान हो गए हो साकिब। हाँ, जवान किधर हो? ले जा। भैंस के नीचे थोड़ी सी खिचड़ बन गई थी, तो इसलिए ये इसलिए मिट्टी हम रखते हैं इधर एक ट्राली हर साल, कि बारिशों में काम आए और जानवरों में जब भी खिचड़ हो तो ये रेतली मिट्टी होती है, जल्दी खुश्क हो जाती है नीचे जगह। एकदम साहबा का ऑर्डर पहुंचा है, लकड़ी मुझे बना के दे दे, बाकी काम बाद में। बिस्मिल्लाह। मैं बाहर से सीधा किचन में आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या देख के आऊँ कि बेगम साहबा की कर रहे हैं? की कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, की कर रहे हैं? अजय आग भी नहीं जली? ऐसे जल जाएगी आसानी से। आसानी से नहीं चलेगी? नहीं। लकड़ी का प्रॉब्लम। ये बड़ा सा देगचा भी रखा है और चमचा भी है जी, साथ में घी वाली बकेट भी है, और इधर हरी मिर्च और टमाटर हैं, सिर्फ नीचे प्याज भी हैं। यस, तो कोई खास चीज बनने वाली है आज दोबारा, क्यों बेगम साहब? हाँ। दोपहर को अच्छा खाना देने वाली है बेगम साहब आज, और बारिश में नहाएंगे। और बारिश आएगी तो नहाएंगे ना, रोज कहते हैं बारिश में नहाएंगे। अच्छा, आ गई तो फिर तो लाजमी नहाना है। हाँ। पक्की बात है। आप आग जला लें, मैं जो है ना जानवरों को जो है ना अंदर बांध दूं। हाँ? आज मैंने बनाया है छोले चावल। अच्छा। हाँ। लो पी लो। तो देखते हैं बेगम साहबा के छोले चावल। चटनी भी डाल दी? हाँ। प्याज भी डाल दिया? चटनी मेरे पास ना डाली। क्यों जोए? चटनी खा लो यार। हरी मिर्च वाली चटनी भी है, प्याज भी है, चने भी हैं, चावल भी हैं। तो ये तो इंतजार में। बिस्मिल्लाह करके खाओ सब। बिस्मिल्लाह। कैसे बने हैं? बहुत अच्छे बने। जबरदस्त, क्या बात है बेगम साहब,
आपने तो आज वो रेडी वाले की भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इधर भी मशरक साइड में भी बादल हैं और मगरब साइड में तो काफ़ी यहाँ से बादल हैं। ये देखिए सूरज भी तकरीबन आधा घंटा बाकी है और इधर भी हल्के हल्के बादल हैं नीचे, लेकिन आज बिल्कुल हमारे पास मौसम खुश्क रहा, कोई बूंदाबांदी नहीं हुई कुछ भी। तो अल्लाह रहम करे, हमारे पास ऐसे समय लें अभी तक कोई ख़ास बारिश नहीं आई 5 दिनों में। तो शाम का खाना भी बेगम साहबा रेडी कर रही हैं, उनके पास भी पहुंचते हैं। अच्छा ये सामान बाहर आज पड़ा हुआ है, ये क्या बात है? ये सूखने के लिए रखा है। ये बड़ा बड़ा चमचा और ये क्या, अंदर सफाई की थी किचन की? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कोई मेहमान आए थे आज? नहीं, मैं काम पे गया था, अभी अभी वापस आया हूँ तो थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो बेगम साहबा ने रंग बिरंगी दाल बना ली है, मोरी की दाल और मूंग की दाल मिक्स कर रही हूं। ये इसमें थोड़ा ढकना उतारे ना, दिखाए ये क्या है। मेरे पैर मार रही है, मेरा हाथ जल जाएगा। मसाले हैं? मेरा हाथ तो नहीं जला। आपने नहा लिया बारिश में? बारिश में किधर बना लिया है, बारिश का इंतजार करते करते बेगम साहब 5 दिन हो गए हैं, लेकिन बारिश बारिश आगे नहीं आने वाली। आपकी बात सच्ची हुई। चलो अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारे हिस्से का बारिश भी इनायत फरमाएंगे, हमारे हिस्से का बारिश भी इनायत फरमाएंगे और हम भी होता है, बारिश होती है। चलो होती है या होता है, पठानों के लिए होता है और हमारे के लिए होती है। हाँ जब बारिश होता है तो तुम क्यों नहीं नहाती? मैं तो नहाती हूँ, आप ये और पठानों का लहजा है, थोड़ा नाराज भी नहीं होना, जो भी मेरे बहन भाई पठान हैं उनका लहजा थोड़ा ऐसे होता है। हाँ। आटा भी गूंदने के लिए बेटियाँ ले आई हैं। हाँ। मैं जा रहा हूँ बाहर और थोड़ा शाम का खूबसूरत मंजर। हाँ, मौसम ठंडा हो गया है। अच्छा एक और बात, के बारिश नहीं आई, अल्लाह का करम हुआ है, मौसम ठंडा हो गया है हमारे पास। आज 5 दिन हो गए हैं तकरीबन, तो टेम्परेचर भी डाउन है, रात को भी दिन को भी ठंडा हो गया। तो ये थोड़ी बात है, बारिश नसीब की बात होती है, अल्लाह पाक जहाँ भी इनायत करेगा जब भी देगा दे देगा, लेकिन मौसम ठंडा कर दिया तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शाम का खूबसूरत मंजर, मैं बाहर आया हूँ, ये देखिए हवा चल रही है, हल्की हल्की ठंडी हवा और कहीं कहीं पर टुकड़ियों की शक्ल में बादल मौजूद हैं, इधर इधर वोकी करके पीछे और इधर बेरी के अंदर, और ये साइड में ऊपर एक बादल आ रहा है बेरी के ऊपर, तो ये बारिश शायद बरसा दे। ये देखिए जुहेब के काम, ये गिर गया क्या, खजूर लेने आया है जुहेब, छप गया। तो इस टाइम क्या, अब मौसम अल्लाह के करम से बेहतरीन नॉर्मल हो गए हैं और ठंडे मौसम ऐसे समझ लें कि जो गर्मी ने बिल्कुल परेशान किया हुआ था तो वो अब हालत नहीं है अल्लाह के करम से। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि काश्तकारी शुरू हो चुकी है, ये काश्तकारी हो रही है जी, ये देखिए ट्रैक्टर, ये धान के लिए और मकई की काश्त के लिए, दूर बिजली के खंभे भी नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह से ये देखिए यहाँ पर ग्रिड है जी, दूर ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर ये साइड में, ये हमारे इलाके में ग्रिड बना है, कभी मैं जाऊंगा आपको दिखाऊंगा।
क्या खेल रहे हो? हाँ बाहर निकलो थोड़ा बाहर। बाकी किधर है? एक लड़का मेरे को। हाँ ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? साकिब? नहीं फ्रेंड। अच्छा थक गया है, अभी तो शाम हो गई है, अभी इधर दौड़ रहे हैं। ये देखो बच्चों के काम भी अजीब होते हैं। आधा टोका मैंने रख दिया था क्योंकि अभी अभी पानी जानवरों को पिलाया है, तो ये टोका भी जानवरों को डाल देते हैं डेली में। इस टाइम मगरिब के टाइम जानवरों को बकिया टोका जो है ना वो डाल देता हूँ, फिर वो आराम से खा लेते हैं। रुक 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 रुक, किधर भाग रही है? तो आज के व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। कोयल भी आ गई है जी शाम के टाइम। मैं आप सबके लिए दुआ को हूँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और कोई दुख दर्दाब तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला ने सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला ने एक सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ़ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। शापर ने तो डरा ही दिया था मुझे, हवा से उड़ के आ रहा था। अच्छा इनका एहतियात करना चाहिए, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इनको ज़मीन के अंदर या इस किस्म की जगह पर जलाना नहीं चाहिए, बहुत ही ख़तरनाक। तो इस नेक दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।